तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, उम्मीद होगा कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वन प्लस को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप वन प्लस का फ़ोन यूज करते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको वन प्लस के कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसको करने बाद आपका वन प्लस 10 गुना फास्ट चार्ज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं वन प्लस यूज कर रहा हूँ। तो चलिए, आपको वह सेटिंग जानना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, जो सेटिंग को करने के लिए आपको आना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। तो चलिए फ़ोन के सेटिंग में आ जाते हैं। फ़ोन के सेटिंग में आने बाद आपको अबाउट फोन में आना है। उसके बाद आपको वर्जन पर आना है। यहाँ पर आपको बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो आपको बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करने बाद आपको बैक आना है। यहाँ पर सिस्टम सेटिंग में यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन होता है, तो चलिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में इंटर करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर कीप स्क्रीन वन व्हील चार्जिंग सेटिंग दिया होगा। जब सेटिंग आपके फ़ोन में ऑन होगा इसे आपको बंद कर देना है, या ऑन रहता है तो जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाएंगे तो आपका स्क्रीन हमेशा ऑन रहेगा, इससे आपका फ़ोन स्लो चार्ज होगा। गलती से किसी के वन प्लस में यह सेटिंग ऑन हो जाता है, इसे आपको बंद करना है। तो अब आपको नीचे आना है। चलिए नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है गाइस, यहाँ पर सेलेक्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यह आपके फ़ोन में 2 नंबर पर होता है, मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पर। तो आपको यदि अपने वन प्लस का स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसे आपको पहले नंबर पर कर देना है। पहले नंबर पर कर देंगे तो आपका वन प्लस 10 गुना फास्ट चार्ज होगा। आपका वन प्लस का कोई भी फ़ोन हो चाहे कितना भी पुराना हो, तो इसको करके अब आपको बैक आना है। अब आपको और नीचे आना, एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग आपको करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड प्रोसेसर लिमिट दिया होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपके फ़ोन में स्टारडम लिमिट पर होता है, इसे आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर कर देना है। नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर कर देंगे तो आपका बैकग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं करेगा, इससे आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। तो आपको इसे 2 नंबर पर कर देना है। तो 2 नंबर पर करने बाद आपको बैक आना है। अब एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो अब आपको आना अपन फ़ोन के बैटरी में, यहाँ पर आपको नीचे आना है। चलिए आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे नीचे एक दिखाई दे रहा होगा ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग, यह आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह आपको, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यह सेटिंग केवल रात में काम करता है, दिन में काम नहीं करता है। यह आपका फ़ोन को चार्जिंग को कंट्रोल करने के लिए देता है कि जब आप सो जाते रात में अपने फ़ोन को चार्ज में लगा के, तो यह आपका फ़ोन स्लो चार्ज करता है कि सुबह जाते जाते फुल चार्ज हो जाए, जिससे ओवर चार्जिंग न जाए, नहीं तो आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा। यदि आपको रात में फास्ट चार्ज करना है तो आप इस सेटिंग को बंद कर दीजिएगा, फास्ट चार्ज होगा। यदि ऑन रहेगा तो यह स्लो चार्ज करेगा। तो आपको इसका जैसे यूज करना होगा कर लीजिएगा। और अपन ब्लूटूथ वाईफाई डाटा को हमेशा बंद रखिएगा जब भी चार्ज में लगाएगा। यदि आप वन प्लस की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं चाहे बैटरी बैकअप को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने उन टॉपिक पर वीडियो बनाया है, आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।